Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा honest and raw एक night time you know skincare वीडियो शेयर करने वाली हूँ. एंड इस टाइम पे कुछ कुछ प्रोडक्ट ना ऐड हुआ है कुछ कुछ चीज़ों के कारण, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. एंड बाय द वे मैं बता दूं कि मैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन में हूँ, तो जो भी नॉर्मल टू ड्राई स्किन में हो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं. एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी यहाँ पे आप स्किन देख सकते हो कि काफी ज़्यादा अभी डल हो चुका है, काफ़ी टैन आ चुकी है. उसकी बहुत सारे रीज़न है. एक तो है मेरी पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं जा रही है, दूसरी स्ट्रेस एंड उसके साथ साथ यू नो जो डिप्रेशन वगैरह होती है सब कुछ मैं डील कर रही हूँ. अब तक मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आई विल कंसल्ट अ डॉक्टर, बट अब तक मैं ठीक हूँ, ठीक है. एंड तीसरी बात है कि मुझे नॉनों को लेके अभी काफ़ी टाइम बाहर जाना पड़ रहा है, मॉर्निंग के टाइम पे धूप जब काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से मेरी फेस की हालत काफ़ी गंदा हो चुका है. ऑल दो पिम्पल्स वगैरह एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिसको मुझे फिक्स करना है जितना जल्द हो सके. वैसे भी विंटर आने वाली है एंड विंटर के टाइम पे जिनके भी ड्राई स्किन होती है उन लोगों को पता ही होगा कि कितना अजीब लगता है. तो यहाँ पे मैं शुरू करने वाली हूँ मेरी इस डल फेस के साथ. एंड रिसेंटली मैंने कहा कि मेरी जो लाइक स्किन केयर है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स चेंज हुई है, तो उसी के बारे में बताऊंगी. किसी भी ब्रांड ने मुझे अलग से पैसा नहीं दिया है, ये एक ऑनेस्ट स्किन केयर है तो आप भरोसा कर सकते हो. बाय द वे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स है वो अमेजन में आपको मिल जाएगा. मैं जो मतलब सभी प्रोडक्ट्स की लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. साथ ही साथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा माई हॉल स्टोर की लिंक. अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इधर उधर जाना नहीं होगा, पूरी कैटलॉग एक साथ देखने को मिल जाएगा एंड आप वहाँ से भी परचेस कर पाओगे. तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी बारी आती है फेस को क्लीन करने की. जिस दिन मैं शूट पे बैठी रहती हूँ, मुझे शूट करना होता है, उसके बाद अगर मैं स्किन केयर करती हूँ तो मेकअप रिमूव करना होता है. उसका मैंने मतलब बहुत बार वीडियो शेयर कर दिया है. नाउ बारी आती है एकदम टिपिकल स्किन केयर की. एक्चुअली मैं बहुत पहले इस मामाअर्थ की उपटन फेस वॉश को यूज़ करती हूँ जिसमें टर्मरिक है, सैफ्रन है. तो वो जो लाइक मुझे ब्रांड ने भेजा था ख़त्म हो गया था. उसके बाद मुझे एज सच उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरी फेस पे उतना टैन नहीं पड़ता था. लेकिन रिसेंटली जब मैं बॉबी के घर पे गई तो फिर से मैंने उसको ट्राई दिया क्योंकि उसके घर पे है वो. तो मुझे लगाने के बाद लगा कि नहीं, मुझे इसे फिर से लेना होगा जबकि मेरी इतनी ज़्यादा टैन बढ़ चुकी है एंड मेरी फेस में इतने सारे प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं. तो इसमें आपको मिलता है टर्मरिक जो कि एक एंटी बैक्टीरियल लाइक प्रॉपर्टी है, आपकी फेस में एक्ने आने से रोकता है, पिंपल आने से रोकता है, ब्रेकआउट्स नहीं होने देता है. साथ ही साथ आपकी स्किन को ये अंदर से ब्राइट बनाने में हेल्प करता है. अगेन आपको मिलता है यहाँ पे सैफ्रन. नाउ सैफ्रन का भी अगेन काम है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल, रेडियंट एंड लाइक होता है ना वो 16 ईयर्स वाली, 13 ईयर्स वाली स्किन वो बनाना. तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरी फेस को इसकी मदद से अच्छी तरीके से लाइक वॉश कर लेती हूँ इस तरीके से. इसमें बाय द वे आपको कोई भी लाइक लेदर फॉर्म नहीं मिलेगा, लेदर जो भी बोलो नहीं मिलेगा. सिंपली जैसे स्क्रब की फॉर्मुलेशन है वैसा ही है एंड इसमें छोटे छोटे यू नो वॉलनट्स बीज जैसा है. तो इसकी मदद से आपकी फेस यू नो स्क्रब भी हो जाता है. तो अच्छी तरीके से एक मिनट तक इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मैं अपनी पूरी फेस को मसाज कर लूंगी. इससे क्या होता है जितने भी सारी इम्प्यूरिटीज, डर्ट्स वगैरह होती है वो निकल जाती है. तो अभी एक मिनट हो चुका है, मैं इसको अपनी लिप्स पे भी यूज करती हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी लिप्स नेचुरली ऊपर वाली जो अपर लिप है वो थोड़ी सी पिगमेंटेड है. नाउ मैं इसे अभी जल्दी जल्दी वॉश करके आती हूँ, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो. आ चुकी हूँ वापस एंड अभी फेशियल टिश्यू की मदद से मैं अपनी फेस को क्लीन कर लूंगी. अभी बज रहा है रात के तकरीबन देर और इस वक्त मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ. सो अमेजिंग. तो यहाँ पे मैं फेशियल टिश्यूज ही यूज़ करती हूँ, ड्राई टिश्यूज़, क्योंकि क्या होता है मैंने ये चीज़ बहुत बार कहा है कि मेरी जो टॉवल है उसकी मदद से मैं अपनी फेस को एटलीस्ट स्किन केयर करने से पहले या तो फिर करते वक्त नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो पिकलू कभी कभार मुँह में लेके इधर उधर चलता है एंड उसकी सलाइवा में एक बैक्टीरिया वगैरह होती है तो उसकी वजह से ना कभी कभार पिंपल, ब्रेकआउट्स ये सब आते हैं.
तो मैं सिंपली इसकी मदद से इसे पोंछ लूंगी। एंड आप अभी मेरी स्किन देख सकते हो कि कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है ना। एंड साथ ही साथ इसकी जो फॉर्मुलेशन है, जब भी आप इसको ना वॉश करते हो तो बहुत ड्राई सा लगता है, लेकिन आफ्टर वॉशिंग योर फेस ये आपके फेस को यू नो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, एज यू कैन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइक नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसको भी आप लोगों ने बहुत बार देखा है मुझे यूज करते हुए। एंड बेसिकली हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉरियल की रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। एंड इसकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, इसमें आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपकी फेस में से यू नो डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस, ये सब चीज़ों को हटाता है। साथ ही साथ आपकी फेस को ना एकदम रेडिएंट एंड वो यूथफुल बनाने में हेल्प करता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसे लाइक इट डिपेंड्स ऑन माय माइंड, माय मूड, कि मुझे यूज़ करना है या तो फिर नहीं करना है। जिस दिन मुझे स्किन केयर करने की बहुत ज़्यादा वो क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे स्किन की टेक केयर करनी है, बहुत ज़्यादा हाथों से निकल जा रही है, तब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्ट नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होती है उस पर चली जाती हूँ। नाउ ये एक ऑनेस्ट स्किन केयर, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप देख सकते हो ये छोटी वाली है, ऑलरेडी मेरे पास लाइक बड़ा वाला मैंने स्टॉक इन करके रखा है, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, देन मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। एंड इसका ऑलमोस्ट 3 बॉटल मैंने अब तक ख़त्म कर चुका है, मतलब कर चुकी हूँ, सॉरी 2 बड़ी बॉटल एंड 1 छोटी बॉटल, फिर से मतलब ये टोटल 5 है। तो आप मान सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। एंड प्राइस भी इसका ज़्यादा है, आपको 1200 टू 1400 1600 में मिल जाता है, लेकिन ये वाले मतलब कोई भी लोग अफोर्ड कर सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो, आप ऑफिस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, इट रियली डजंट मैटर। एंड लिटरली ये चीज़ मुझे बहुत बार कहा जाता है कि दीदी मैं 13 ईयर्स की हूँ, मैं 14 ईयर्स की हूँ, तो मैं क्या स्किन केयर करूँ, क्या ये नीड है। देखो जितना लाइक टाइम तक आप आपकी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा स्किन केयर करने से रोक सकते हो, स्किन नेचुरली हेल्दी है, वैसे आप ठीक ही रहो। मैंने मेरी स्किन केयर यूजुअली स्टार्ट किया था आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है, उससे पहले मेरी कोई भी स्किन केयर नहीं थी। तो मैं ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 12 साल से 13 साल से स्किन केयर करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 18 हो रहे हो तब आप कर सकते हो, लेकिन 12-13 साल में वैसे उतना स्किन केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना फेस पे बहुत एक्नेस, ब्रोनोस, पिंपल, ब्रेकआउट्स, ये सब आते, तो तभी आपको क्या करना होगा, ये वो प्रोडक्ट अपनी स्किन में यूज़ करने की वजह आप डॉक्टर के पास जाओ, एक सिंपल अपॉइंटमेंट लो, कंसल्ट करो, देन डॉक्टर जो भी बोलेंगे आप उसके हिसाब से चलो। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं अगर ये बोलूँगी तो यही आपके ऊपर अच्छे से काम करेगा। जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे ऊपर अच्छे से काम करता है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है जो लाइक मेरे ऊपर काम ना करे, ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ हुआ है। जब भी हुआ है मैंने उस चीज़ को वहीं पे ही स्टॉप कर दिया है, चाहे वो ब्रांड प्रमोशन हो, मैंने खुद से ख़रीदा है, काम नहीं आया तभी मैंने बताया, लेकिन हाँ मैंने कोई भी एंडोर्समेंट ऐसा नहीं किया है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, फिर भी मैं वही बता रही हूँ। हाँ उसके बाद अभी मैं यूज़ करती हूँ सीरम। सीरम मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, 5-6 महीने हो चुका है, उसके बीच में आप जितने भी सारे मेकअप वीडियोस देखोगे मैं सीरम वगैरह उतना भी यूज़ नहीं करती हूँ, या फिर फेशियल ऑयल, लेकिन इस टाइम पे मैं कर रही हूँ क्योंकि फेस अगेन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो बेसिकली 2 सीरम मेरी लाइक ये तो मेरी बहुत पहले से फेवरेट है, 2-3 सालों से 3 साल अगर नहीं भी है तो 2 सालों से तो फेवरेट है ही है। एंड इसको मैंने रिसेंटली में ट्राई किया है, मुझे अच्छा लगा, मैंने काफ़ी ख़त्म भी किया है। एंड दिस इज़ द डॉट एंड की सुपर फूड स्किन नरिशिंग फेस ऑयल, जिसमें आपको मिलता है एवोकाडो एंड फ्लेक्सीड ऑयल। मुझे ये यूज़ करना है तो मैं यूज़ करती हूँ, आज मुझे ये यूज़ करने का कोई मन नहीं है। यूजुअल डेज पे मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स की ये रोज़ हिप सीरम। नाउ दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट, इसकी कंसिस्टेंसी देखते ही ना कोई भी ड्राई स्किन वाले प्यार में पड़ जाएंगे, एक स्लाइमी सा वो एक कंसिस्टेंसी है। एंड जब भी मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ इंस्टेंटली आई फील लाइक कि मेरी स्किन की जो नीड थी, मेरी स्किन जो चाहती थी वो फाइनली मिल गया। एंड इसे बस आपको आपकी पूरी फेस पे मसाज करना है एंड जस्ट प्रेस इट ऑन योर स्किन, ताकि जो स्किन सेल्स है
वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की, एंड आप सभी लोगों को पता है लास्ट एक डेढ़ साल से मैं इसके अलावा बहुत कम मॉइस्चराइजर को यूज करती हूँ। ये जिस किसी ने भी एक बार यूज कर लिया है वो दूसरी कोई प्रोडक्ट में नेचुरली नहीं जाना चाहेगा। एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट विच इज सेटाफिल्स की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप वालों के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। तो मैं इसे सिंपली अप्लाई कर लूंगी लाइक दिस। मुझे इसकी एक बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं है। अप्लाई यहाँ पे कर दिया है, नाउ यू कैन सी कि कितनी ज्यादा क्लियर मतलब ग्लोइंग लग रही है अभी स्किन। जो हेटर्स है वो तो कहेंगे कि अभी तक मतलब गोरी क्यों नहीं हुई, लेकिन सच्ची में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फ्रेश एंड हल्का है। आप जितना प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लेयरिंग करोगे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उतना ही लगता है मुझे कि कोई प्रोडक्ट ठीक से अपना काम नहीं करता है। अनटिल अनलेस आपको हर एक प्रोडक्ट मतलब किसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिलके कोई रिएक्शन ना कर दे, इन सभी चीज़ों के बारे में आइडिया है तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट लेयर अप करते रहोगे उससे आपकी स्किन बहुत जल्द डैमेज हो जाएगी, क्योंकि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी पोर्स को क्लॉक कर देता है एक टाइम के बाद। एंड एक जो लाइक मेंटेनेंस है कि हाँ एकदम बहुत ही ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी वाली प्रोडक्ट आपको पहले यूज़ करना है, एंड सबसे ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी की जो प्रोडक्ट है उसे लास्ट में यूज़ करना है, ये मेथड आप हमेशा दिमाग में रखो। आई एम टेलिंग यू कि आपकी स्किन खराब नहीं होगी। नाउ फॉर द स्किन, हमारी जो मतलब फेस का स्किन था वो कंप्लीट हो चुका है फेशियल स्किन की टेक केयर लेना। नाउ बारी आती है हैंड्स वगैरह की, तो मैं अब भी यूज कर रही हूँ लैक्मे की ये पीच मिल्क लाइट वेट मॉइस्चराइजर। जस्ट 99 rupees में आपको मिल जाता है। एंड गाइज, इसकी स्मेल, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी मतलब काम, सब कुछ अमेजिंग है। बहुत पहले बचपन में जब पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी तो इसे मैं खरीदती थी। जब मैंने इवन मेरा जर्नी जो था उसे स्टार्ट किया था मेकअप जर्नी, तो तभी मेरे पास ना उतने सारे पैसे हर वक्त नहीं होते थी। मतलब होती थी कि मैं फेशियल ऑयल खरीदूँ, ये मॉइस्चराइजर लूँ, वो लूँ, तब मैं स्पीच मिल्क को यूज़ करती थी। अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोज़ देखोगे ठंड के टाइम पे तो मैं लगाती थी, तो मैंने अच्छी तरीके से इसे अभी लगा दिया है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि गाइस, आज की वीडियो में ज़्यादा जज मत करो कि हाथों में इतने सारे हेयर्स है, आपकी आईब्राउज इतनी गंदी हो रखी है, आप किस तरीके से वीडियो बना रहे हो, ये वो। जस्ट मैंने जो मेरी लाइफ थी मैंने शेयर किया कि हाँ इस कारण ये सब है, एंड या आई हैव टू डील विद दिस थिंग्स राइट नाउ। तो अप्लाई करने का ये बंगाली क्या, ये हर एक लोगों की एक चीज़ है कि हाथों पे लगाने के बाद जो भी बचता है ऐसे 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 करना। तो मैंने यहाँ पे पीच मिल्क अप्लाई कर लिया है। नाउ फॉर द लिप्स, फॉर माई पिगमेंटेड लिप्स, आई लिटरली डोंट नो कि मैं इसके साथ क्या करूँ, लेकिन जो भी लिप टैटूज वगैरह आती है कभी कभार दिमाग में ख्याल आता है कि कर लूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं जो है है। अभी इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ ये एगेट जो भी प्रोनाउंसिएशन है, बीटरूट एंड चिक टिंट। ना मुझे मेरी गाल लाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी लिप्स पर अप्लाई करती हूँ। बहुत 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 अमेजिंग एक प्रोडक्ट है, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ एक टिंट भी देता है। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, एंड हमारा जो स्किन केयर है वो कंप्लीट हो चुका है। और सोने जाने से पहले जो चीज़ मैं हमेशा करती हूँ वो है ये प्लम की बॉडी लवन बॉडी मिस्ट, दिस इज इन दी फ्लेवर वनीला वाइब्स। बहुत सारा ख़त्म हो चुका है, इसको बस 2 से 3 स्प्रे, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होती है, मेरी जो बॉडी ऑडर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब मैं भाग दौड़ करती हूँ, एंड थोड़ी सी जेनेटिक भी है, तो उसे ये कंट्रोल में रखता है, एक रिफ्रेशिंग सा फील देता है, एंड नींद अच्छी आती है। अगर आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल को भी अपनी जो पिलो होती है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप दे के सो सकते हो, बहुत अच्छे से काम करता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, डिप्रेशन में अगर आप हो अच्छा फील होता है। मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो या आज की वीडियो में और कुछ शेयर करने लायक है नहीं गाइस। प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर चेक कर लेना। नाउ वीडियो के जाते जाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक ऑनेस्ट एंड रॉ वीडियो है, बहुत सारे लोग पूछोगे कि दीदी फिर जो सेटाफिल की जेंटल स्किन क्लेंजर आती है उसका क्या हुआ, जो आप प्लम की लिप बाम यूज़ करते हो उसका क्या हुआ, डॉटन की लिप बाम यूज़ करते हो उसका क्या हुआ, अभी वो सब प्रोडक्ट नहीं है। है, मैंने कहा पहले कि मतलब जब मेरा मूड जो होता है मैं वो करती हूँ, ये मेरी करंट स्किन केयर है। अभी मैं इसे
कुछ दिन तक यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरी बात, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास रहती है एंड ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ब्रांड है या तो फिर इस ब्रांड की सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है जो अच्छी है, बाकी सब प्रोडक्ट बेकार है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर एक ही ब्रांड टिकता, बाकी के ब्रांड नहीं टिकता। तो जस्ट मैं यहाँ पे मेरी जो ओपिनियन है वो शेयर करती हूँ। अभी आपके बजट के अंदर जो लगता है कि हाँ फिट है, आप उसमें जाओ। जो लगता है कि हाँ, जो मैं पॉइंट्स निकाल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ कि हाँ ये इसके लिए ठीक है, आपको अगर लगता है कि हाँ मेरी भी कंसर्न सेम है तो मैं इसी प्रोडक्ट में जाना चाहती हूँ, तो आप जाओ। मैंने जो भी आज तक शेयर किया है स्किन केयर में, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि एक ऑनेस्ट स्किन केयर रखूँ चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसीलिए आप लोग शायद मुझे ज़्यादा स्किन केयर को लेके वीडियोज़ बनाते भी नहीं देखते होंगे। सो या आज का जो वीडियो है वो फिलहाल यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए गाइस देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। आज की वीडियो मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।